कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्म दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं कार्यकर्ताओं ने गरीब किसान आदिवासियों के हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामगोपाल पाल ने कहा कि आदरणीय मोदी जी देश को सामने आकर बताइए, देशवासी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे लद्दाख की सीमा पर चीन के साथ संघर्ष में हमारे जवान वहां भारी संख्या में शहीद क्यों हुए। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका तक आपकी विदेश नीति असफल क्यों रही है। आज देश में वीर शहीद जवानों के कारण पूरा देश आहत में है। इसी कड़ी में असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता उसैद हुसैन सिद्दीकी ने बताया कि शहीद जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सेना पर आरोप लगाकर सेना की गलती बताने वाली आज तक की एंकर श्वेता सिंह पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, अन्यथा असंगठित कामगार कांग्रेस आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगी एवं कोरोना वायरस को देखते हुए कामगार कांग्रेस जरूरतमंदों के लिए ताल से ताल मिलाकर खड़े रहेंगे एवं देश को झुकने नहीं देंगे। वीर शहीदों के परिजनों के साथ पूरा देश है। इसी तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदामा प्रसाद कुशवाहा एवं सचिव रामब्रज कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी की सोच के अनुकरण में एवं कोरोना वायरस को देखते हुए जरूरतमंदों को कांग्रेस के कार्यकर्ता खाद्य सामग्री व जरूरत की सामग्री बांटेंगे। उक्त अवसर पर सुदामा प्रसाद कुशवाहा, रामगोपाल पाल, उसैद हसन सिद्दीकी, रामब्रज कुशवाहा, शिव नारायण कुशवाहा, प्रहलाद शाह, परशुराम बेगा, छोटे लाल केवट, राम लक्ष्मण पाल, गुड्डू सिंह, शंभु बेगा, बालक दास बेगा, सिपाही लाल बेगा, भोले सोनी, राम कृपाल कहार, संदीप साकेत, सोनू साकेत, राम बेगा, शिवपाल आदि लोग उपस्थित रहे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।